किन किन को घर में खूब दाल, बादाम, पिस्ता, राशन, इलायची, केसर, मिश्री, शक्कर, गुड़, घी, तेल घर में भरा रहे हैं, ऐसा भाव किसको है? हम सभी को है गुरुदेव। बहनों को खास करके है जी गुरुदेव। बहने चाहती है कि घर में धन धान्य भरा हो, इसके लिए एक अच्छा उपाय है बहनों। अधिकतर घरों में देखो तो जो पैसा, गहना, कपड़ा रखते हो अलमारा, ये अलमारा एकदम दीवार से सटा के रखते हो कि नहीं? सबके घर में दीवार से सटके ही रहता है। सिर्फ दिवाली के दिन एक दिन बीड़ू को थोड़ा अलमारे को सरका के थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन आप देखो जिस दिन दिवाली के दिन हम इस अलमारे को सरकाते हैं उस समय पीछे कितने जाले लगे रहते हैं, है क्या? सही बात है क्या जी? तो जिस लक्ष्मी के निवास को आपने जाले का स्थान बना दिया, खंडर बना दिया, उस घर में समृद्धि कैसे रहेगी? बहुत सरल उपाय है, अलमारे को सदा एक हाथ जितना दीवार से आगे रखिए, वो दीवार से सटा नहीं रहना चाहिए। जब भी झाड़ू मारते हैं अलमारे के पीछे भी रोज झाड़ू एक बार यूं लगा के साफ कर लिया करिए। ये एक साल करके देखिए, आपके घर में अगले साल से अलग ही समृद्धि का आनंद दिख के आएगा। और अलमारे के ऊपर जो अलमारा है आपका, जिसमें आप कपड़ा रखते हैं, गहने पैसे रखते हैं, उसके ऊपर कोई भार मत रखिए। कहीं लोग क्या, आपके 90% लोगों के घर में जिसमें कपड़े, गहने, पैसे सब रखते हैं, उस अलमारे के ऊपर हम सूटकेस, दूसरी चीजें, अटैचियां सब ऊपर डाल के रखते हैं। अगर गहना पैसा रखने वाले अलमारे के ऊपर कोई भी भार रहता है तो वो भार उस घर के लक्ष्मी को बढ़ने नहीं देता, ऐसे शास्त्र कहता है। अलमारे के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोग अलमारे के ऊपर कुछ ना कुछ, भाई जगह नहीं है यहां वहां रखने, अलमारे के ऊपर रख दो। सब रखते हैं कि नहीं? ज्यादातर उसको निकाल दीजिए वहां से, और अलमारे के पीछे एक हाथ जगह खाली रखिए कम से कम, ताकि रोज उसको साफ कर सके। जो लक्ष्मी का स्थान साफ ना हो, वहां लक्ष्मी नहीं दरिद्र देवी निवास करती है। कौन सी देवी? दरिद्र देवी। अब किसको दरिद्र देवी चाहिए? किसी को नहीं चाहिए गुरुदेव। किसी को नहीं चाहिए, महालक्ष्मी जी की चाहिए। तो फिर घर को शुद्ध रखो बेटा जी भगवान। अपनी पत्नी को बोलना थोड़ा जाके जी भगवान, मैं कमा कमा के मुश्किल से स्टेजों में चिल्ला चिल्ला के पैसा लाता हूँ और तू घर में बचता क्यों नहीं है? गुरुदेव ने बता दिया कि तू अलमारे में जाला लगा के बैठी है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। घर साफ कर पहले, ऐसे हिम्मत से बोल के वो वीडियो निकाल के मुझे बताना कि इतने हिम्मत से तू बोल पाता है क्या? पहले मैं देखता हूँ।